सर थोड़े बूम नीचे कर, बूम का नीचे कर सर। पीसी की बहुत एक अच्छी लंबी विस्तार से हमने मीटिंग रखी और अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत साहब, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। बूथ से लेके राज्य स्तर पर जो संगठन की तैयारियां होनी चाहिए, मुझे लगता है हम लोग समय से पहले उन सब तैयारियों को करने में कामयाब हुए हैं। राज्य की सरकार ने किसानों की ऋण माफी हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या हमारे मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी जी ने और हमारी पार्टी ने वादे किए थे, उनको लगातार क्रमवार तरीके से बिना समय खोए हम लोग उसको लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका जनता में अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, उसको चलते हुए सरकार और पार्टी पूरी तरह तैयार है भाजपा को चुनौती देने के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार बनने के बाद कोई एक उपचुनाव हुआ रामगढ़ का, उसको कांग्रेस पार्टी ने जीता है, तो पब्लिक का मूड आज कांग्रेस के पक्ष में है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा किया है, और भाजपा की सरकार जो केंद्र की है, जिस प्रकार का आचरण उनका रहा, अभी कलकत्ते में जो उन्होंने एक प्रकरण हुआ सीबीआई के लोगों को भेजकर, और पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस तानाशाही रवैये के खिलाफ हुआ है, उसे देखकर मुझे लगता है कि भाजपा की जो बची बुची साख थी वो भी लगातार गिर रही है। और राजस्थान में हम मिशन 25 को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। राहुल गांधी जी का दौरा प्रस्तावित है 14 तारीख का अजमेर में, और 1 मार्च का हम लोगों ने उदयपुर में रिक्वेस्ट की है कि यूथ कांग्रेस की एक प्रदेश स्तरीय रैली कर रहे हैं, उसमें वो वहाँ पर आएँ। राहुल गांधी जी का, बाकी अन्य नेताओं के लगातार प्रोग्राम बनेंगे। आज हम लोगों ने जो अलग अलग कमिटीज़ हैं उनके चेयरमैन से चर्चा की है, पब्लिसिटी, मीडिया, कैंपेन कमेटी, तमाम अध्यक्ष यहाँ मौजूद थे, तो हम सब ने एक अच्छी चर्चा करी है। ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम 11-12 को जयपुर में, उसके बाद 15 से 25 तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे ट्रेनर्स, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रभारी मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, सब लोग जाकर लोगों को और तैयारियां देने के लिए मौजूद रहेंगे। और ये पूरा उसमें मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी, हम सब लोग जाएंगे। पूरे प्रदेश में हमारा एक तरह से अभियान चालू हो चुका है। राहुल जी जब आए थे जयपुर में किसान रैली को संबोधित करने, तभी से हम लोग पूरी तैयारी से हैं। और आज की मीटिंग में जो चर्चा हुई है, हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि हम अपने सुझाव देंगे, पीएसी भी देगी, स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम करेगी, लेकिन अंतिम निर्णय जो लोकसभा के चुनाव के टिकट का है वो हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पे छोड़ा है। लेकिन हम सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, अच्छे प्रभावशाली नाम देकर चुनाव की जो चयन की प्रक्रिया है उस पर अपना योगदान पीएसी भी देगी और स्क्रीनिंग कमेटी। जिस सरकार ने 4 साल 11 महीने 28 दिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, वो लोग अब आंदोलन करना और जेल भरने का नौटंकी कर रहे हैं और डोंग कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और हमारी सरकार ने, सरकार का निर्माण होने के तुरंत बाद हमने अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है, तो पीड़ा तो होगी। भाजपा को आज थोड़ी पीड़ा है क्योंकि हमारी पार्टी सरकार अपने वचन और अपनी बात पर अड़िग रही, लेकिन जनता सब जानती है किसान की हर प्रकार से मदद कर रहे हैं। और जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, ऋण माफी मात्र एक पहला कदम है, इसके अलावा हमें नाना प्रकार की और योजनाएं बनानी पड़ेंगी ताकि जो कृषि और किसान संबंधित समस्या है उसका दूरगामी और हमेशा के निराकरण हमारी सरकार करेगी, इस पर भी हम प्रतिबद्ध हैं। किसानों को उम्मीद कांग्रेस से थी और उस कांग्रेस पार्टी सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया, मुझे बाकी बहुत खुशी है।